हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा शेखर। मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर और इलस्ट्रेटर हूँ। आज मैं आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए फ़ैशन इलस्ट्रेशंस कैसे किया जा सकता है मैं ये दिखाने वाली हूँ। आप जो ये स्क्रीन पे इलस्ट्रेशंस देख रहे हो, ये मैंने अपने एंड्रॉयड फ़ोन से बनाए हैं। जी हाँ, ये कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर या आईपैड से नहीं, बल्कि अपने रेगुलर सा एंड्रॉयड या फिर आईफोन पर ईजीली बना सकते हो। इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल ट्यूटोरियल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जो पूरा इंग्लिश में है। तो उस वीडियो का ये हिंदी वर्जन है, ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो इसीलिए मैंने आपके लिए हिंदी वर्जन भी बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तीनों एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते ही मैंने फैशन इलस्ट्रेशंस बनाए हैं, जो है पिक्सआर्ट, पिंटरेस्ट और बैकग्राउंड इरेजर। आपने ज़रूर पिंटरेस्ट या पिक्सआर्ट का नाम सुना होगा। तो जी हाँ, ये बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, जिसे यूज़ करके आप स्केचेस बना सकते हैं। ये जो आप इलस्ट्रेशन देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मेरा पुराना इलस्ट्रेशन है और मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने ये इलस्ट्रेशन कैसे किए हैं। सबसे पहला स्टेप है, आपको पिंटरेस्ट में जाके परफेक्ट प्रिंट ढूंढना पड़ेगा। तो आपने जो लहंगे के ऊपर पीकॉक फेदर के प्रिंट देखे हैं, तो आपको पीकॉक फेदर बैकग्राउंड करके पिंटरेस्ट में सर्च करना पड़ेगा। आप देख सकते हो बहुत सारे रिजल्ट आते हैं, तो आप अपने मनचाहे प्रिंट को सर्च कर सकते हो, जिसे आप एज ए प्रिंट यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइन पर। तो मुझे बहुत मुश्किल से ये कुछ मिला जिसे मैं एज ए प्रिंट यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लिया। अब हमें चाहिए होता है फैशन टेम्पलेट। फैशन टेम्पलेट का मतलब होता है एक बॉडी का शेप, जिसके ऊपर आप फैशन इलस्ट्रेशन कर सकते हो। मैं यूजुअली अपने टेम्पलेट्स खुद बनाती हूँ, पेपर पे बनाकर उसको डिजिटलाइज करके उसके ऊपर इलस्ट्रेशन करती हूँ मैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार प्रोसेस है, मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाने वाली हूँ और आपको जल्द ही मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, पिंटरेस्ट में जाके फैशन टेम्पलेट्स या क्रॉकी करके सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप जो चाहे इमेज डाउनलोड कर लीजिए और फिर बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आप अपने क्रॉकी का जो बॉडी पार्ट है उसको इरेज कर देना चाहिए। जो आप देख रहे हैं, ये फैशन टेम्पलेट मैंने खुद बनाई है और मैं यहाँ पे ऑटो इरेजर ऑप्शन यूज़ करके बॉडी का जो बॉडी पार्ट का बैकग्राउंड है उसको मैंने इरेज कर दिया। अब हम आ गए हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पर, जहाँ पे आपको बैकग्राउंड्स करके एक ऑप्शन मिलेगा और आप यहाँ देख रहे हैं एक कलर व्हील। आप इस कलर व्हील के मदद से एक स्किन कलर या स्किन टोन आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप अपने इलस्ट्रेशन के लिए सोच रहे हैं। फिर वो बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपने अब इरेजर ऐप से जो इरेज किया हुआ फ़ोटो है उसको इसके ऊपर ऐड कर देना है पूरा स्क्रीन पर। तो अब हमारा इलस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ड्रॉ टूल सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हमें मिल जाएंगे बहुत सारे ब्रशेस और शेप्स। तो मैं ये स्ट्रेट लाइन यूज़ करकर एक लहंगे की ये आउटलाइन बना रही हूँ। आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल सी एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है, जो एक लहंगे की घेर की तरह दिखे। तो फिर मैंने ये सिंपल सा पेंसिल ब्रश यूज़ करके लहंगे की आउटलाइन बना रही हूँ। तो आप देख रहे हो कि पूरा लहंगे का आउटलाइन रेडी हो चुका है। अब बारी है प्रिंट को आउटफिट के ऊपर आपको ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ऐड फोटो का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। और जब हमने पिंटरेस्ट के मदद से जो प्रिंट हमने डाउनलोड करके रखा था, उस फ़ोटो को इसके ऊपर ऐड कर देना चाहिए। और आप देख सकते हो कि मैंने ये पूरा का पूरा फ़ोटो जो है वो पूरा लहंगे के ऊपर एडजस्ट कर लिया है। और यहाँ पे ओपेसिटी करके एक ऑप्शन मिलेगा, जिसके मदद से आप वो इमेज का ओपेसिटी कम करके आप इमेज के बैकग्राउंड देख सकते हो। और वो ओपेसिटी कम करके इरेजर ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है और आपको लहंगे के अलावा जो एरिया है उसको इरेज कर देना चाहिए। तो आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि मैंने कैसे अपने लहंगे के अलावा जो प्रिंट फैला हुआ है उसको मैंने कैसे इरेज किया है। तो आप इरेजर टूल को हार्डन करके आप यूज़ कर सकते हो। अगर गलती से आप लहंगे के अंदर भी आप इरेज कर दिया है, तो आप रिस्टोर टूल को यूज़ करते हुए पूरा वो आप फिर से वो प्रिंट वो लहंगे के ऊपर ला सकते हो। तो ऐसे ही मैंने इरेजर ऐप टूल यूज़ करके पूरा लहंगे के अलावा जो प्रिंट फैला है उसको मैंने इरेज कर दिया। और अब फिर से ओपेसिटी को मैंने 100 कर दिया, तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा प्रिंट जो है मेरे लहंगे के ऊपर आ चुकी है। आपने देखा, मैंने कुछ ड्रॉ नहीं किया, बस जो फ़ोटो हमने पिंटरेस्ट से ली थी उसको इसके ऊपर ऐड कर दिया
और ये प्रिंट की तरह लग रहा है। तो अब बारी है चोली बनाने की, और इसके लिए मैं फिर से ड्रॉ टूल यूज़ करते हुए, यहाँ पे ड्रॉ टूल में आपको कलर व्हील मिल जाएगा, वो कलर व्हील यूज़ करते हुए मैंने ये लहंगे से, जो लहंगे में ये ब्लू कलर है उसको सेलेक्ट कर दिया, और वो इस ब्लू कलर की मैं चोली बनाने वाली हूँ। और ये ब्रश यूज़ करते हुए मैं चोली बना रही हूँ। चोली तो बहुत सिंपल है, बस एक शॉर्ट स्लीव है और राउंड नेक रखने वाली हूँ, और नीचे एक नेक की डिटेलिंग देने वाली हूँ। तो चोली ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो आपको दिखाने वाली हूँ अब ये नेक के इफ़ेक्ट कैसे करना है। तो आपको ड्रॉ टूल पे चले जाना है फिर से, और ब्रशेस में आपको कई तरह के ब्रशेस मिलेंगे, और मैं ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ। सॉरी, यहाँ पे ब्रशेस के नाम या फिर कुछ नहीं होते, तो इसीलिए मैं आपको ठीक से नाम नहीं बता सकती हूँ, बस आप ये ब्रश नोट कर लीजिएगा। ये ब्रश के मदद से मैं ये पूरा का पूरा नेक की डिटेलिंग दे रही हूँ, और मुझे लगता है शायद ये थोड़ा सा डार्क हो गया है नेट के हिसाब से। तो मैं दिखाती हूँ अब ये डार्क कलर के नेट को थोड़ा सा लाइट कैसे किया जाए। तो ऊपर आपको ये लेयर्स के ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको, यहाँ पर भी आप ओपेसिटी कम कर सकते हो, तो मैंने थोड़ा ओपेसिटी कम कर दिया, तो आपको शायद ये थोड़ा अब नेट के जैसा दिख रहा है। हमें हमारा चोली और लहंगा का बैकग्राउंड मिल गया है, मतलब बेस बन गया है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक इलस्ट्रेशन का की पार्ट होता है उसका फिनिशिंग। अगर आप जो चाहे, मतलब अपने आइडिया जितना भी शानदार हो, मगर वो अच्छी तरह से फिनिश ना हो, तो वो उभर कर नहीं आएगा इलस्ट्रेशन। तो मैं यहाँ पे स्किन रेंडर कर रही हूँ, मतलब ये शैडो वगैरह आपको ऐड करना पड़ेगा अपने इलस्ट्रेशन पर। और आप देख रहे हो मैंने ड्रॉ टूल को यूज़ करते हुए इस ब्रश की मदद से डार्क ब्राउन कलर सेलेक्ट कर लिया है, और इसकी मदद से मैं स्किन के ऊपर, मतलब वो स्किन पार्ट है उसके ऊपर मैं शैडोज ऐड कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि क्या ही फ़र्क पड़ता है इससे, बट आप ज़रूर अपने इलस्ट्रेशन पर ये एक प्रोसेस करके देखिएगा, ये ज़रूर एक बहुत ही फ़र्क पड़ता है। एंड ये मेरा बहुत ही पुराना इलस्ट्रेशन है, तो मैंने यहाँ पे बहुत ही लाइट शैडो दे रखी है। आप मेरे नए इलस्ट्रेशंस देखें तो आपको ये फ़र्क नज़र आएगा कि मैंने बहुत ही ज़्यादा डार्क शैडोज़ दे रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही डेप्थ ऐड करती है अपने इलस्ट्रेशन को, एंड ये बहुत ही ज़्यादा आपके इलस्ट्रेशन को निखरा सकता है। तो अब मैं ये ब्रश यूज़ करके लहंगे के ऊपर शैडो बना रही हूँ। आप ये सेटिंग्स देख लीजिएगा, ये ब्रश की यही साइज़ और ओपेसिटी को यूज़ करते हुए मैं अपने इलस्ट्रेशंस को शैडो ऐड करती हूँ। आप अपने हिसाब से इस सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने ये जो घेर है लहंगे की, उसके ऊपर शैडोज ऐड करना शुरू कर दिया है, और आप देख सकते हो कि ये कितना उभर कर आ रहा है पूरा घेर जब मैं ये शैडोज ऐड कर रही हूँ। इसी तरह से आप पूरे लहंगे और चोली के ऊपर शैडोज ऐड कर दीजिएगा। आप देख सकते हो अपने आँखों के सामने ये डिफरेंस, जो एक छोटा सा एक प्रोसेस ला रहा है, ये आपके इलस्ट्रेशन को बहुत रियलिस्टिक बनाता है। और ये विथ टाइम ही होगा, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप ये डिफरेंस देख सकते हो अपने इलस्ट्रेशन में। ये पहली बार में ही आप अचीव ना कर पाए, पर आपको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब ये इलस्ट्रेशन किया और आप जो मेरे इलस्ट्रेशन देख रहे हो, तो वो पूरा का पूरा चेंज ओवर है, वो प्रैक्टिस की वजह से ही है। तो आप देख रहे हो मैं और डेप्थ ऐड कर रही हूँ। तो आपने ये ब्रशेस नोट कर लिए होगा शायद। ओके फ्रेंड्स, तो ये रेडी हो चुका है। अब बारी है ग्लिटर ऐड करने की। आपको पिक्सआर्ट पर ब्रशेस करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर यहाँ पे आपको जो एक चौथा ब्रशिंग टूल का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे कलरफुल ब्रशेस मिल जाएंगे, जिसके मदद से आप अपने इलस्ट्रेशन को बहुत ही सुंदर तरीके से बना सकते हो। और यहाँ पे मैंने ये ग्लिटर का ब्रश यूज़ करके मैं जहाँ मुझे पसंद है वहाँ पर मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ, ये ग्लिटर ऐड कर रही हूँ।
ये बहुत ही फन सा प्रोसेस है। आप अपने इलस्ट्रेशन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी दिखा सकते हो, गोल्ड के या फिर सिल्वर के या फिर फ्लोरल, कुछ भी आप अपने मनपसंद एम्ब्रॉयडरी आप बना सकते हो अपने स्केच के ऊपर। तो अब एम्ब्रॉयडरी के बाद अब अपने इलस्ट्रेशन के ऊपर बाल बनाने की बारी है। तो आप देख रहे हो मैंने ब्रश टूल यूज़ करके एक छोटा सा बन बना लिया है, और आप ऐसे ही कुछ फन सा हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि लहंगा, चोली और एम्ब्रॉयडरी रेडी है। अब हम इस पर ज्वेलरी ऐड कर देते हैं। फिर से मैंने ब्रश टूल यूज़ करते हुए ये जो कलर पिक ऑप्शन है उसको पिक करते हुए मैं बैंगल्स और कुछ ज्वेलरी बना रही हूँ यहाँ पर। आप जो चाहे अपने इलस्ट्रेशन को ज्वेलरी या फिर कोई भी डिटेल आप दे सकते हो इस टूल की मदद से। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे चूड़ियाँ पहनाने वाली हूँ और कुछ ग्रीन कलर के भी थोड़े से मैचिंग बैंगल्स बना दिए, और मुझे तो गला थोड़ा खाली सा लग रहा है। तो चलिए, यहाँ पे आपको स्टिकर ऑप्शन मिल जाएगा, वो स्टिकर ऑप्शन में जाकर मैं डायमंड नेकलेस करके टाइप कर रही हूँ। आप देख सकते हो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो रेडी नेकलेसेस है। मैं उनमें से कोई एक मेरा मनपसंद नेकलेस सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे जो इरेजर का ऑप्शन है उसको यूज़ करते हुए जो ये एक्स्ट्रा इयररिंग्स आए हैं उसको मैं इरेज कर दूँगी, और इसको मैंने फिट कर दिया है अपने नेक के ऊपर। और मैं थोड़े ये ब्राइटनेस एडजस्ट कर रही हूँ ताकि मेरा डायमंड नेकलेस ठीक से डायमंड नेकलेस की तरह ही दिखे। तो मैं थोड़ा यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स कर रही हूँ जो ये नेकलेस को ठीक से नेक के ऊपर प्लेस कर दे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो नेकलेस भी ऐड हो चुका है। मुझे ना इसको थोड़ा और लाइक लहंगे को मैचिंग करने के लिए इसको मैं एक ब्लू कलर की बीडिंग जैसा एक डिटेल दे रही हूँ, तो ये मेरे लहंगे को थोड़ा मैचिंग सा दिखे। ओके, तो मेरा एक कंप्लीट हो चुका है इलस्ट्रेशन। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे मैंने अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर पिक्सआर्ट एप्लीकेशन यूज़ करते हुए ये वाला इलस्ट्रेशन बनाया है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप ये प्रोसेस फॉलो कीजिए और बहुत सारे इलस्ट्रेशंस बनाइए। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है slayerzen, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चंस या डाउट्स है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। आपका जो भी डाउट्स है मैं पूरा का पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। आप ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करते जाइएगा। मैं बहुत सारे ऐसे फैशन इलस्ट्रेशन के रिलेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ। धन्यवाद आप सभी को। हैव ए गुड डे।